सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे घर पे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने अब तक हिंदी व्याकरण से पाठ 5 तक अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 6वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्रत्यय। बच्चों, उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयाँ हैं, जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। जैसे राष्ट्र धन ईय बराबर राष्ट्रीय, गुण धनवान बराबर गुणवान, चोर धन ई बराबर चोरी, शेर धन नी बराबर शेरनी। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगा तो बना राष्ट्रीय, गुण में वान प्रत्यय लगा तो बना गुणवान, चोर में ई प्रत्यय लगा तो बना चोरी, शेर में नी प्रत्यय लगा तो बना शेरनी। आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से प्रत्यय का योग करके हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कुछ ध्यान देने योग्य बातें, जैसे पहला, प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। दूसरा, शब्दों की तरह इनका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। तीसरा, ये शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। चौथा, भाषा में इनका भी प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। आइए अब प्रत्यय के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला, कृत प्रत्यय या क्रिया रूपों में लगने वाला प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ में ना प्रत्यय लगा तो बना पढ़ना, लिख में ना प्रत्यय लगा तो बना लिखना, बुन में ना प्रत्यय लगा तो बना बुनना। अब यदि पढ़ में आई प्रत्यय लगा दें तो पढ़ाई, लिख में आई लगा देंगे तो लिखाई, और बुन में आई प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा शब्द बुनाई। इसी तरह से पी में ना प्रत्यय लगेगा तो बनेगा पीना, भूल में ना प्रत्यय लगा तो बना भूलना, घूम में ना प्रत्यय लगेगा तो बनेगा घूमना। अब इसमें यदि अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो पी धन अक्कड़ बराबर पियक्कड़, भूल शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनेगा भूलक्कड़। इसी तरह से घूम शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ने पर बनता है घुमक्कड़। फिर है शब्द कमा, और ना प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा कमाना, खा में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा खाना, उड़ में ना जोड़ेंगे तो बनेगा उड़ना, पर यदि हम बड़ाऊ प्रत्यय लगा दें तो बन जाएगा कमाऊ खाऊ और उड़ाऊ। इसी तरह से पाल शब्द में ना प्रत्यय लगाने पर बनेगा पालना, खेवना, खेव में ना प्रत्यय लगा देंगे तो बनेगा खेवना, जैसे नाव खेना यानी नाव को चलाना। अब यदि हम पाल और खेव दोनों मूल शब्दों में हार प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाता है शब्द पालनहार खेवनहार। बच्चों, इसी तरीके से प्रत्यय का योग करके हम नए शब्द बनाते हैं। आपकी पुस्तक में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उनका आप अभ्यास करके सीखें कि किस तरीके से हम प्रत्ययों के योग से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय या अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण अव्यय आदि में लगते हैं और प्रायः संज्ञा विशेषण बनाते हैं, जिन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे डिबिया खटिया और बिटिया में इया प्रत्यय लगा है। जैसे डिब्बा धन इया बराबर डिबिया, खाट धन इया बराबर खटिया, बेटी धन इया बराबर बिटिया। इसी तरह से चोर में ई प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा चोरी, खेत में ई लगाएंगे तो बनेगा खेती, पहाड़ में ई लगाएंगे तो बनेगा पहाड़ी, आर प्रत्यय लगाकर तो लोहा आर लोहार,
सोना आर सुनार, बूढ़ा और पा बुढ़ापा, मोटा पा मोटापा, पन प्रत्यय बचपन लड़कपन, तो बच्चापन बचपन, लड़कापन लड़कपन, मानवता मानवधनता तो बनेगा मानवता, और मनुष्य में तो अप्रत्यय जोड़ देंगे तो बनेगा मनुष्यत्व। इसी तरह से अड़ा प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा खड़ा दुखड़ा, और वान प्रत्यय लगाकर बनेगा धनवान गाड़ीवान इत्यादि शब्द हैं। और भी शब्द दिए हुए हैं, उनको आप ध्यान से देखें और सीखें। विशेषण से संज्ञा, अब देखिए सुंदरता, सुंदरता शब्द कैसे बना, तो सुंदर में ता प्रत्यय लगाकर बनता है सुंदरता। योग्य में ता प्रत्यय लगा तो बना योग्यता, महत में ता प्रत्यय लगा तो बना महत्ता। इसी तरह से मिठास में और खटास में आस प्रत्यय लगा है। गरीबी में गरीब ई गरीबी, अमीर ई अमीरी, बीमार ई बीमारी, अच्छा आई अच्छाई, बुरा आई बुराई, महंगा आई महंगाई, इस तरह से शब्द बनते हैं। फिर है आपका संज्ञा से विशेषण बनाना, जैसे भूख शब्द में आ प्रत्यय लगाने पर बनेगा भूखा, प्यास में आ लगाया तो प्यासा, ठंड में आ प्रत्यय जोड़ा तो बना ठंडा। इसी तरह से शब्द बनेगा बंगाल में ई प्रत्यय लगाकर हम बनाएंगे बंगाली, जापान में ई प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा जापानी, गुलाब में ई प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गुलाबी। ईला प्रत्यय लगाकर बना है शब्द जहरीला शर्मीला बर्फीला, और ईन प्रत्यय लगाकर बना है रंगीन नमकीन और शौकीन। बच्चों और भी शब्द हैं, इसमें ध्यान से देखिए। कुछ आगत और विदेशी प्रत्यय, इनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे शब्द है साल और प्रत्यय है आना, तो जब हम इसमें जोड़ देंगे तो बनेगा सालाना। इसी तरह से शब्द है मेहनत और प्रत्यय है आना, जोड़ने पर बनेगा मेहनताना। इसी तरह से शब्द है रोज और आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा रोजाना। फिर नाक खतरा और नाक जोड़ा तो बना खतरनाक। इसी तरह से शब्द है शर्म, शर्म में नाक प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा शर्मनाक, दर्द में नाक प्रत्यय जोड़ेंगे तो दर्दनाक बनेगा। इसी तरह से और भी शब्द बने हैं बच्चों, जैसे दुकानदार मकानदार ईमानदार, धोखेबाज पतंगबाज चालबाज, अक्लमंद दौलतमंद जरूरतमंद जादूगर सौदागर बाजीगर इत्यादि। इन शब्दों में बाज मंद और गर प्रत्यय लगा हुआ है। बच्चों आइए देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। प्रत्यय भी शब्दों के छोटे छोटे अंश होते हैं, इनका प्रयोग भी भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, शब्दों की तरह इनका भी कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। हिंदी में मुख्यतः दो प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसके साथ लगता है बच्चों, अभी आपने पढ़ा है ना, बताइए जरा कृत प्रत्यय किसके साथ लगता है। तो कृत प्रत्यय जो है क्रिया या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं। और तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगते हैं, तो तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वे क्रिया के अलावा अन्य शब्दों के साथ जैसे संज्ञा विशेषण अव्यय आदि में लगते हैं, और प्रायः संज्ञा विशेषण बनाते हैं। बच्चों अभी आपने इस पाठ का अध्ययन किया, अब आप इस पाठ का अभ्यास कीजिए। जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। बच्चों इस पाठ से अभ्यास अंश के सभी प्रश्न पेंसिल की सहायता से लिखकर याद करना है। धन्यवाद बच्चों।